नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो इसे लेकर संस्था चैतन्य भारत के द्वारा इंदौर प्रेस क्लब पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में चैतन्य भारत के महामंत्री स्वदेश राजौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि देश को आजाद हुए 70 साल से अधिक हो गए हैं, किंतु देश में 2 विधान 2 संविधान आज भी लागू है जो हमारे देश में नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है, किंतु किसी कारणवश लागू होने में देरी हो रही है। इसलिए हम 4 अगस्त को संस्था चैतन्य भारत के द्वारा इंदौर प्रेस क्लब के सामने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें देश में समान नागरिक संहिता लागू है इसका समर्थन आम जनता से मांगा जाएगा। इसमें हम प्रदेश और शहर की जनता से आह्वान भी करते हैं कि इस कानून को लागू करने के लिए बड़ा चढ़ा कर भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस हस्ताक्षर अभियान में शामिल हों। साथ ही हमारी संस्था इस कानून को लागू करने के लिए कई स्तर पर कई तरह के आंदोलन करने जा रही है, जिसमें सेमिनार भी होगा, धरना प्रदर्शन भी होंगे, आंदोलन भी होंगे। ये समान नागरिक कानून के की मांग के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम 4 अगस्त से व्यापक रूप से इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जिला कोर्ट के बाहर एक लंबी टेबल लगा के लगभग 1000 स्क्वायर फीट कैनवास पर लोगों का हस्ताक्षर अभियान चला के और ये मांग सरकार के सामने रखेंगे कि ये जन आंदोलन है, ये जनता की मांग है और इस पर काम होना चाहिए। एक देश है तो एक जैसा कानून सबके लिए होना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांग है। और क्या कार्यक्रम होंगे इसके अलावा, और क्या करने जा रहे हैं? ये अभी कुछ दिनों तक अलग अलग चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान चलेंगे, उसके बाद देश के प्रमुख विचारकों चिंतकों को इकट्ठा करके उनको बुला के आमंत्रित करके सभागार में लोगों को उनके विचार उसके हित में देश के हित में कितना है स्पष्ट हो, इसलिए सभा वाले आयोजन किए जाएंगे और आंदोलन की अलग अलग रूपरेखा बनेगी और उस प्रकार से हम करेंगे। जैसे कभी मानव श्रृंखला है, अभी हस्ताक्षर अभियान के बाद मानव श्रृंखला होगी और सभाई कार्यक्रम होंगे, उसके बाद नेताओं से उसके मांग के संबंध में भी और अलग अलग समाजों के पास जाके उनके प्रमुख लोगों से चर्चा करके पूरे समाज को इस आंदोलन से जोड़ने की बात हम करेंगे। ये आयोजन का समय क्या होगा, कितने लोग शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम में? अभी सैकड़ों लोग कह सकता हूं मैं, क्योंकि शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे आवाज़ बढ़ेगी और इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। और ये 4 अगस्त रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक यहीं प्रेस क्लब के सामने एक लंबी टेबल लगाकर यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। आप हमारे माध्यम से इंदौर की जनता को कुछ कहना चाहते हैं? आपका सहयोग मिले तो बहुत अच्छी बात है। इंदौर की जनता इस विषय में जागे अपने समान अधिकारों के लिए और पूरे एक देश है तो एक कानून हो, इसकी जागृति पूरी जनता में हो और किसी भी रूप में वह इसको लेकर आवाज़ उठाए, यह हमारी अपेक्षा है और आप लोग इसमें सहयोग करें, यह हमारी और बड़ी अपेक्षा है। आपका नाम? मैं स्वदेश राजौरिया, चैतन्य भारत का महामंत्री। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। Yeah.